आर्थिक रूप से किसी भी निम्न या मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए करोड़पति बनना एक बहुत बड़े सपने का पूरा होने जैसा होता है, लेकिन उसमें भी आपके खाते में एक नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए आ जाए तो फिर क्या कहना। फिर तो सोच ऐसी हो जाती है जैसे आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने कौन बनेगा करोड़पति शो में 5 करोड़ रुपए का जैकपॉट इनाम जीता। उस वक्त बहुतों को लगा होगा कि इनकी जिंदगी अब बदल जाएगी, 5 करोड़ में क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई बिजनेस कर करोड़ों क्या, फिर तो अरबपति खरबपति बना जा सकता है। और शायद सुशील कुमार को भी ऐसा ही लगा, लेकिन इनाम में मिले वो 5 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। हाँ, जिंदगी ने उन्हें दुनिया के कई रूप और अपने पराए की पहचान जरूर करवा दी। इसी के बारे में सुशील कुमार ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 5 करोड़ मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदतर होती चली गई। सुशील कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने संघर्षों की कहानी सुनाते हुए एक लंबा पोस्ट शेयर किया है। सुशील ने लिखा, केबीसी जीतने के बाद का मेरे जीवन का सबसे बुरा समय। सुशील ने लिखा कि केबीसी जीतने के बाद वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुके थे। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा ही रहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे दूर होती चली गई। सुशील कहते हैं कि उस समय मीडिया को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था और मीडिया भी बीच बीच में पूछ देती थी कि आप क्या कर रहे हैं, और इसको लेकर वो बिना किसी अनुभव के कभी ये बिजनेस तो कभी वो बिजनेस करते थे ताकि वो मीडिया में बता सके कि वो बेकार नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप वो बिजनेस कुछ दिनों बाद डूब जाता था। सुशील ने कहा कि वो इसके साथ ही दानवीर भी बन चुके थे और गुप्त दान भी करने लग गए थे। महीने में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे ही कामों में खर्च हो जाते थे। कई चालू टाइप लोग भी उनसे जुड़ गए और उनसे काफी पैसे भी ठगे गए, जिसका एहसास उन्हें बाद में हुआ। वहीं सुशील ने लिखा कि इन सब का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। पत्नी के साथ भी संबंध खराब होते चले गए। पत्नी उनसे कहा करती थी कि आपको सही गलत लोगों की पहचान नहीं है और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पत्नी की यह सब बात सुनकर मुझे लगता था कि वो हमको नहीं समझ पा रही है, और फिर धीरे धीरे खूब झगड़ा होने लगा। वहीं सुशील ने अपने कई बिजनेस के बारे में भी लिखा कि वो किस तरह उन्हें किसी भी बिजनेस का ज्ञान नहीं था और वो बस पैसा लेकर उसमें कूद पड़े। सुशील लिखते हैं कि दिल्ली में मैंने कुछ कार लेकर अपने एक मित्र के साथ चलवाने लगा था, जिसके बाद उन्हें हर महीने कुछ दिनों के लिए दिल्ली आना पड़ता था, और इसी दरमियान उनका परिचय कुछ जामिया मिलिया में मीडिया की पढ़ाई कर रहे लड़कों से हुई। फिर IIMC के कई विद्यार्थी, JNU के स्टूडेंट और कई थिएटर आर्टिस्ट। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं तो कुएं का मेंढक हूं और मैं बहुत चीजों के बारे में नहीं जानता। लेकिन इन्हीं सब चीजों के साथ एक लत और भी लगी, शराब और सिगरेट। सुशील आगे लिखते हैं, जब इन लोगों के साथ बैठना होता तो दारू और सिगरेट भी साथ में होते थे। उन लोगों की बातें मेरे लिए नई थी और उन्हें सुनना काफी अच्छा लगता था, लेकिन फिर इन लोगों की संगति का ये असर हुआ कि मीडिया को लेकर जो मैं बहुत ज्यादा सीरियस होता था वो धीरे धीरे कम हो गई। अपनी पत्नी के साथ हुए एक झगड़े के बारे में भी सुशील ने जिक्र किया और लिखा कि एक रात वो प्यासा फिल्म देख रहे थे। फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था, उसी वक्त पत्नी कमरे में आती है और चिल्लाने लगती है कि एक ही फिल्म बार बार देखने से आप पागल हो जाइएगा, और यही देखना है तो मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। इसके बाद पत्नी से 1 महीने तक बोलचाल बंद रही। उस वक्त उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया और बाहर चले गए और मोहल्ले में चुपचाप टहलने लगे। सुशील ने आगे लिखा, अभी वो टहल ही रहे थे तभी एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार महोदय का फोन आया और कुछ देर तक मैंने ठीक से बात की, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जिससे मुझे चिढ़ हो गई और मैंने कह दिया कि मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, 2 गाय पाले हुए हैं, उसी का दूध बेचकर गुजारा करते हैं। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। उस खबर ने अपना असर दिखाया और फिर जितने चालू टाइप के लोग थे वे सब मुझसे कन्नी काटने लग गए। यही नहीं, लोगों ने अब कार्यक्रमों में बुलाना भी बंद कर दिया। अब इसके बाद मुझे समय मिला और मैंने सोचना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। आगे सुनील लिखते हैं, इसी बीच एक दिन पत्नी से काफी झगड़ा हुआ, वो अपने मायके चली गई और फिर बात तलाक तक पहुंच गई। तब मुझे यह एहसास हुआ कि अगर रिश्ता बचाना है तो मुझे बाहर जाना होगा और कुछ करना होगा। इसके बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचा, अपने एक प्रोड्यूसर मित्र से बातचीत की, लेकिन वहां मुझसे फिल्म संबंधी कुछ टेक्निकल बातें पूछी गई, मुझे पता नहीं था, जिस पर उनका जवाब था कि कुछ दिन टीवी सीरियल में काम कर लीजिए, बाद में हम किसी फिल्म डायरेक्टर के पास रखवा देंगे। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करने लग गया, बहुत कुछ देखने समझने को मिला, लेकिन बाद में मेरा मन वहां से बेचैन होने लगा और चाहकर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। खैर, ये सब छोड़कर फिर एक परिचित गीतकार मित्र के साथ उनके कमरे में रहने लगा और दिन भर लैपटॉप पर फिल्म देखते
और दिल्ली पुस्तक मेला से जो एक सूटकेस भर के किताब लाए थे उन किताबों को पढ़ते रहते। लगभग 6 महीने लगातार यही करता रहा और दिन भर में एक डब्बा सिगरेट भी पी जाता था। पूरा कमरा हमेशा धुआं से भरा होता था। सुशील आगे लिखते हैं कि महीनों तक अकेले रहने और पढ़ने लिखने के बाद मुझे अपने अंदर झांकने का मौका मिला और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं मुंबई में कोई डायरेक्टर बनने नहीं आया था, मैं एक भगोड़ा हूँ जो सच्चाई से भाग रहा हूँ। असली खुशी अपने मन का काम करने में है। घमंड को कभी शांत नहीं किया जा सकता। बड़े होने से 1000 गुना ठीक है अच्छा इंसान होना। खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जितना हो सके देश और समाज का भला करना, जिसकी शुरुआत अपने घर गांव से की जानी चाहिए। सुशील आगे लिखते हैं कि हालांकि उसी दौरान उन्होंने 3 कहानियां भी लिखी थी, जिसमें से एक कहानी एक प्रोडक्शन हाउस को पसंद भी आई और उसके लिए उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए। हालांकि पैसा देते वक्त मुझसे कहा गया कि इस फिल्म का आइडिया बहुत अच्छा है, कहानी पर काफी काम करना पड़ेगा, क्लाइमेक्स भी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों ने पे कर दिया है। इसके बाद मैं मुंबई से वापस अपने घर आ गया और टीचर की तैयारी करने लग गया, उसमें पास भी हो गया। इसके साथ ही अब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम करता हूँ, जिसके कारण मुझे एक अजीब तरह की शांति का एहसास होता है। अपने शराब और सिगरेट की लत पर आगे सुशील लिखते हैं कि अंतिम बार उन्होंने शराब मार्च 2016 में पी थी, उसके बाद पिछले साल सिगरेट भी खुद ब खुद छूट गया। अब जीवन में हमेशा एक नया उत्साह महसूस होता है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन भर मुझे ऐसे ही पर्यावरण की सेवा करने का मौका मिलता रहे, इसी में मुझे जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। और अंत में सुशील लिखते हैं, बस अब यही सोचते हैं कि जीवन की जरूरतें जितनी कम हो सके रखनी चाहिए, इतना ही कमाना है कि जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए और बाकी बचे समय में पर्यावरण के लिए ऐसे ही छोटे स्तर पर कुछ कार्य करते रहना है।